Hi guys, today I have come before you with my latest video, and this is the second part of our narration lesson that is going on now. इसके पहले हम लोग अपलोड किए थे एक नोटिस के ऊपर वीडियो दैट ऑफन कम्स इन क्लास 11 एंड 12 एंड आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड सीइंग द रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर्स द स्टूडेंट्स इन जस्ट वन डे इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट अप टू 100 एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी एक्सेप्टेड बाय मेनी मोर स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं नैरेशन का. आई जस्ट वॉन्ट टू रिकैपिचुलेट द अर्लियर लेसन दैट आई हैव टॉट बिफोर. उसमें यह था कि रिपोर्टिंग वर्ब, द रूल वॉज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ओनली द प्रोनाउंस चेंज, नॉट द एडवर्ब्स. इवन एडवर्ब्स do not change if the reporting verb is in present tense and future tense, and if the reporting verb is in the past tense, then the tense of the, you know, the reported speech also goes in the past tense. At the same time, adverbs also change. Only in the case of universal truth there is no change in the tense. Now I'm telling it in Hindi. कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहला जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, जो है वही रह जाएगा. हो सकता है डू डज होगा लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, और एडवर्ब में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा. और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदलता है, साथ में एडवर्ब भी बदलता है. और प्रोनाउन का चेंज तो आपको समझना होगा. आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू सी हु इज स्पीकिंग, हुम ही इज स्पीकिंग टू एंड व्हाट इज ही स्पीकिंग. ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है कि अंदर सेंटेंस के इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो आई है, यू है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको पढ़ के समझना होगा. आज हम लोग कुछ चेंजेस बताएंगे नैरेशन सेकेंड पार्ट. बट बिफोर आई स्टार्ट इट, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to like, share and subscribe the channel Sanjay English Classes, and then you will get the, you know, the classes, video classes on English grammar on a regular basis. You can use it for yourself and for your youngsters, for the juniors. It will be your friend for all the time. Whenever you need anything, any class on any subject of grammar, you just click and get the टोटल क्लास. तो सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. इट विल बी फॉर अ ग्रेट बेनिफिट फॉर ऑल द यंग चिल्ड्रन. नाउ लुक एट द वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब्स. एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. ये किस में होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में किस ढंग से टेंस का चेंज होगा, हाउ द टेंसेस विल चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि अच्छा एग्जांपल हम इसके बाद में अभी दे देते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मान के चलिए कि गो है, गोज है, ये सिंपल पास्ट में से जाके वेंट हो जाएगा. डू और डज रहने से वो होगा दैट चेंजेस इनटू डिड. हैज एंड हैव चेंजेस हैज चेंज इनटू हैड. ओके, and present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. For example, I have been reading a book, it will go into he had been reading a book. So have been reading present perfect continuous tense, ye change hoke ho jayega had been reading past perfect continuous tense. Simple past tense change hoga past perfect tense mein, matlab agar verb 2 rahega to wo aapko jayega
हैड प्लस वी थ्री में, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग। मान के चलिए कि वेंट है, सपोज द वर्ब इज वेंट, इट विल बी हैड गन, इट विल बी हैड गन, ओके। सपोज द वर्ब इज रोट, रोट मीन्स पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इट विल बी हैड रिटन, हैड रिटन। सपोज द वर्ब इज सैंग, इट विल बी हैड sung, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, रिमेंबर दैट थिंग। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इट हियर, डिड नॉट वर्ब वन चेंजेस इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब थ्री, लुक एट द यू नो द डाउन ऑफ द बोर्ड, लुक एट द लोअर पार्ट ऑफ द बोर्ड, डिड नॉट प्लस वर्ब वन चेंजेस इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब थ्री। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इट विल बी he said that he had not gone to school, had not gone to school. Some more earlier example, Ravi said I go to school every day, so Ravi said that he went to school every day. Father said within inverted comma I do not like tea, father said that he did not like tea. Okay, let's move on. Past continuous tense, and one more thing, was where changes into had been. Remember, was where changes into had been. Am, is changes into was, are changes into were, and was where changes into had been. And there is no change in had plus V3. We shall come there. Past continuous tense changes into past perfect continuous tense. For example, mother said, I was cooking some food. So mother said that she had been cooking some food. She had been cooking some food. Okay? Past perfect tense, no change. इसका मतलब हुआ कि आपको direct speech में अगर past perfect tense मिलता है तो उसमें कोई change नहीं आएगा. Example, the teacher said, I had gone to my class. The teacher said that he had gone to his class. He had gone to his class. तो had gone पहले भी था, had gone अभी भी रहेगा. Past perfect continuous tense अगर रहेगा आपको direct speech में, उसमें भी कोई change नहीं आएगा. Future tense में shall और will change होगा would में. Shall को should मत कीजिएगा. Shall will दोनों को would में change कीजिएगा. Both shall and will changes into would. Example दे रहा हूँ आपको. रेखा said. रेखा said, comma inverted. I shall buy a gift for my brother. I shall buy a gift for my brother. So it will be Rekha said that she would. Shall को should मत कीजिएगा, would कीजिएगा. She would buy a gift for her brother. तो I था Rekha, इसलिए she हुआ, और my brother it will be her brother. बार बार आपको देखना होगा कि अंदर में जो pronoun है वो किसको indicate कर रहा है, वो आपको बाहर में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उससे पता करना होगा. कैन और मे चेंज होगा कूड और माइट में, ठीक है. कैन और मे के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब आता है, कूड और माइट के बाद भी आपको प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब में रखना होगा. एग्जांपल दे रहा हूं, ही सेड आई कैन गो, आई कैन डू दिस वर्क, तो ही सेड दैट ही कूड डू दैट वर्क, दैट वर्क. तो कूड डू, कैन डू चेंजेस इन टू कूड डू. याद रखिएगा, कोई भी मॉडल के बाद, मॉडल को आप पास्ट में ले जा सकते हैं लेकिन मॉडल के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा. मॉडल के बाद प्रेजेंट टेंस, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस में रहे या पास्ट टेंस में रहे मॉडल, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बट आफ्टर दैट ओनली प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब कम्स. अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ही कूड, माइट, शुड, वुड, यूज्ड टू ये सब रहता है, उसमें भी चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड आई यूज टू गो देयर डेली. सो माई फ्रेंड सेड दैट ही यूज टू गो देयर डेली. एक चीज ध्यान रखिएगा, यूज टू जो है ये आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, इसको आप डी हटाकर प्रेजेंट टेंस में नहीं ले जा सकते हैं. यू कैन नॉट रिमूव डी एंड मेक इट अ प्रेजेंट फॉर्म दैट यूज टू, ऐसा नहीं होता है. Used to हमेशा पास्ट में रहेगा, और जब हम मॉडल लेकर डील करेंगे इसमें और भी चर्चा होगा. और मस्ट रहने से वो हैड टू प्लस वर्ब वन होगा,
एग्जाम्पल दे रहा हूं, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, यू मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, द प्रिंसिपल टोल द स्टूडेंट्स दैट दे हैड टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, मस्ट चेंजेस इन टू हैड टू, ठीक है। इस तरह का टोटल डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ वर्ब इन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स, एंड नाउ आई शैल टेल यू अबाउट द चेंज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब भी चेंज होता है, दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस चेंजेस इनटू दोज, हेयर चेंजेस इनटू देयर, नाउ चेंजेस इनटू देन, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, येस्टरडे चेंजेस इनटू द प्रीवियस डे, एंड टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग। सो स्टूडेंट्स, टूडे I have described one of the most critical part of narration change, the change of verb when the reporting verb is in the past tense, and how the adverbs also change. I have described those things in detail with sufficient example, ample example, but I must tell you that it is a complicated matter, it's a little bit difficult zone, so please watch this video again and again until it becomes quite clear and easy to you, and then you will make no mistake in changing narration from direct to indirect or indirect to direct also. So thank you very much. I would like to tell you that very soon the next video will come, that will be on the narration change of interrogative sentences. Till then, stay with us. Best wishes for everybody. Thank you.